हाय फ्रेंड्स, मैं नुशलाक। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन मसाला। इसके लिए मैंने 4 बैंगन लिए हैं, उसमें चीरा लगा दिया है। इसके लिए मैंने हरा मसाला रेडी करके लिया था, जिसमें नारियल, लहसुन, अदरक और कटा हुआ धनिया, इसकी मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिए। इस पेस्ट में हम लोग 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच घर की बनी हुई तीखा, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी हल्दी ऐड करके मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स किया हुआ मसाला हम लोग बैंगन में भर लेंगे। ये मैंने बैंगन में मसाला भर लिया है। अब हम लोग इसे स्टीमर पर स्टीम करके ले लेंगे। बैंगन को ऐसे स्टीमर पर अच्छे से पकने तक स्टीम करके लेना है। इसको कम से कम एक 15 से 20 मिनट लगते हैं धीमी आंच पर। पहले 5 मिनट हमारे को गैस बड़ा रखना है, बाद में उसको फ्लेम मीडियम कर देनी है गैस की। अब हमें ग्रेवी के लिए कढ़ाई गरम करके उसमें 2 चम्मच तेल डाल देना है। तेल गरम होने के बाद इसमें रिमेनिंग वाला मसाला ऐड कर देना है। इस मसाले में हम लोगों को थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है। मसाला अच्छे से फ्राई करके लेना है। मसाला अच्छा फ्राई होने के बाद इसमें हम लोग 1 चम्मच घर का बना हुआ तीखा यूज़ कर लेंगे और थोड़ा सा हम लोगों को कश्मीरी लाल यूज़ करना है। अच्छा फ्राई होने के बाद इसमें हम लोग 1 कटोरी गर्म पानी ऐड कर देंगे। अब ये मसाले को हम लोग 10 मिनट तक बारीक आंच पर पका लेंगे। अब हम लोगों को बैंगन पका हुआ है क्या एक बार चेक कर लेना है। ये बैंगन अभी पक गया है हमारा पका हुआ बैंगन। अब हम इस ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। ग्रेवी में हम लोगों को ये बैंगन 2 मिनट तक पकाना है, उसके बाद ये बैंगन रेडी हो जाएगा। ये हमारा बैंगन रेडी हो गया है। अब हम इसे ऊपर से कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब मैं इस बैंगन को सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। ये हमारा भरा हुआ बैंगन रेडी है। ये हमारा रेडी है भरा हुआ बैंगन।